दोस्तों मेक माई ट्रिप, जहां से हम फ्लाइट टिकट बुक करते हैं वहां से हम होटल बुक भी कर सकते हैं। होटल बुकिंग की वीडियो है ये, अभी बना रहा हूँ। पहले मैंने फ्लाइट बुकिंग की वीडियो बना के तुमने चैनल पे डाल दी है, वहां से आप फ्लाइट बुकिंग देख सकते हैं। तो होटल बुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, जहां फ्लाइट था वहां उसके सामने बिल्कुल उससे अगला ऑप्शन है होटल बुकिंग का। होटल बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपको होटल बुक करना है। ठीक है, सारे नाम दिखा दिया। फिलहाल मैं गोवा सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गोवा करने के बाद जिस डेट में हमें चाहिए चेक इन और चेक आउट दोनों डेटें सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे 23 तारीख की बुकिंग कर रहा हूँ, चेक आउट 25 को। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वन रूम टू गेस्ट जो भी आपके हैं, वन रूम वन गेस्ट, वन रूम थ्री गेस्ट जितने भी हैं, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वन रूम सेलेक्ट कर रहा हूँ टू के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ से इसको सर्च कर देंगे। अब ये गोवा के हमें होटल दिखा देगा। लीजिए ये आत्माराम होटल और जितने भी होटल होंगे, कंपेल होटल, ओयो के साथ लिंक गेस्ट हाउस है जो, ये सारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ट्री हाउस और निकिता रेजिडेंसी, ये सारे होटल हमारे पास आ गए। अब इसके सामने प्राइस भी दिया हुआ, प्राइस के हिसाब से अपना देख सकते हैं कि आपने कौन सा बुक करना है। लोकेशन इनकी नीचे दी हुई, 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द बीच, ये सारे यहाँ से आप डिटेल इनकी देख सकते हैं। ठीक है, फ्री पार्किंग, रूम सर्विस, ये सारा कुछ देखने के बाद जो आपको होटल पसंद आता है उसको बुक करने का प्रोसीजर क्या है वो मैं अभी, ये जैसे पसंद आ गया तो इसको बुक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे इसकी डिटेल दिखा देगा, देखो रूम इमेज आ गई और ये होटल आ गया। उसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे, ये सारा कुछ दिखा देगा, रूम का साइज है, यहाँ पे बेड सिंगल बेड है, हीटर लगा हुआ है, फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, मिनरल वाटर एडिशनल चार्ज के साथ मिलेगा आपको, ये सारा कुछ यहाँ पे इसने दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आसपास के होटल यहाँ नीचे दिए हुए हैं, वहां से भी आप अगर और कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने अगर आपको ये पसंद आता है तो यहाँ से करना है सिलेक्ट रूम। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे इसे को बुक करना है तो इसको बुक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जी, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, स्मोक करते हैं, नो स्मोकिंग, जो भी है आपका रिक्वेस्ट, कुछ डालना चाहते हैं आप स्पेशल वहां डाल दीजिए। उसके बाद ये हटा दीजिए, इसको आई एग्री पे क्लिक करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल मैंने कंप्लीट डिटेल नहीं भरी है, तो अपना यहाँ से आप अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर हो एग्जैक्ट भर दें। मैं डेमो के तौर पे नहीं दिखा रहा इसमें, तो आप यहाँ पे अपना सारा डाटा भरने के बाद है जो इसको पे नाउ पे करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं भर देता हूँ इसमें नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, ये प्रोसेस हो रहा है, पेमेंट का आ जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। बहुत इजी है यहाँ से बुक करना। ठीक है, अब बस आपको अपना नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं, पेपल अकाउंट से, मोबाइल वॉलेट से, यहाँ आपके पास सारे ऑप्शन है, यहाँ से मेक पेमेंट कर दीजिए, आपकी पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद इसका प्रिंट ले लीजिए।